कहते हैं मौज पे ही बापू मौज। राधे, मैं तमन्ना आपका स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। अभी हम लोग जा रहे हैं तीन जगह पे घूमने। एक है टेंपल तनोट माता, और एक है गांव लोंगे वाला, और इधर है जहाँ पे अपनी बॉर्डर पिक्चर शूट हुई थी। तो वहाँ तीन जगह हम घूमने जा रहे हैं। ये है आज की हमारी सवारी, इससे हम लोग जाएंगे घूमेंगे। और स्वेटर और ये सब हमने रख लिया है क्योंकि बहुत ठंड है। और ये हमने टोपी भी गिरा दी है और अपने टोपी भी गिरा दी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये है हमारे साथ शेरखान जी, जो हमें तीनों जगह घुमाएंगे, और आज के हमारे गाइड शेरखान जी। आए कर बॉर्डर जो अपनी फिनिशिंग है वही अभी 1994 में हुई, उससे पहले ही बहुत खुला था। हमारे लोग आते जाते थे ऊपर पे, गेहूँ वगैरह हमारे लोग जाते थे पास। अच्छा, बोर्ड खुला था तो। ये बॉर्डर बंद कब हुआ अंकल? अभी ये 1994 में ये फिनिशिंग। अच्छा, 1994 में। 1994 से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। उसके पहले ये खेती से मतलब सब लेके जाते थे? हाँ, लोग आते जाते थे। अच्छा, आते जाते थे, ऊँट से आते थे जाते थे और सब लेके जाते थे। बॉर्डर की फेंसिंग है 1994 में। 1994 में हुई है बॉर्डर की फेंसिंग। और ये सब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हाईलाइट्स भाई बता रहे हैं आप। ये गांव रामगढ़ से 35 किलोमीटर आगे गांव है। हाँ? उसका नाम है रणाऊ। हाँ? और यहाँ पर मेन मेन चीजें जो कि बॉर्डर की चीजें हकीकत। हाँ? जैसे कि ब्लड प्रूफ बंकर, जिसके अंदर अपन के फौजी बैठ के गोलियां पर चलाया करते थे, वो अभी भी मौजूद है। और जंग नहीं लगा उसको अभी तक। नाजी तक माता जी का सीन है। बॉर्डर मूवी जो माता जी का छोटा सा मंदिर होता है ना, उसका सीन दिया हुआ वो भी है उधर। और बॉर्डर मूवी जो गाँव खाली करा था, गाँव यही है। और आगे जाएंगे तब बड़ा अच्छा सा डेजर्ट है, जैसे उसको हम बोले तो पाकिस्तानी जिस कुएं में जहर डाला था वो कुआ अभी भी मौजूद है, ढका हुआ ऊपर से। लोगों को पानी वगैरह पीने नहीं देते, पाकिस्तानियों ने जहर डाला था। पाकिस्तानियों ने वो वहाँ से ऊपर से नीचे गांव खाली करा, तो गांव में भी। अच्छा, ये वाला ही पूरा मतलब ये पूरा दिख रहा है भाई। अब हमने जब अभी आपको बताया कि कौन सा गांव में क्या है, बस अब वहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं, आपको पूरा डिटेल में वीडियो बताएंगे। ये प्लान में बिल्कुल नहीं था, लेकिन हमें इतना अच्छा लगा कि इतनी बातें हो रही है, तो अब हम जाके ही आए एक बार। हेलो, यहाँ का व्यू देखो। भी एक डेजर्ट सफारी में गए थे, लेकिन वहाँ से इतना अच्छा व्यू नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छा व्यू है। बहुत 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 ही प्यारा। कैसा लगो यस? मुझे दरिया हमारे कच्छे में कहते हैं मौज पे ही बापू मौज। चार आदमी इसके अंदर रहते थे, जहाँ तक इसको नीचे भर देते थे, ऊपर झाड़ी वाड़ी देखी, दुश्मन को पता नहीं चला हमें बंकर। गोली वगैरह लग जाती तो सिर्फ बोर्ड वाला।
से हर जगह होंगे नहीं? हर जगह। अच्छा अच्छा थोड़े थोड़े मीटर में। ये बॉर्डर पिक्चर वाला मंदिर है, जो बॉर्डर पिक्चर में जो दिखा था ना माता जी का मंदिर, ये जो लकड़ी पड़ी है ना, ये कुआं है, इसमें पहले पाकिस्तान वालों ने जहर मिला दिया था। 71 के वॉर के समय। अच्छा 71 के वॉर में है ना, इसकी वजह से मतलब सबने पानी पिया था तो पूरा पानी पिया, जवान शहीद हो गए। अच्छा कितने हमारे जवान इसमें शहीद हो गए, तो ये पानी पिया था ना उसकी वजह से। यहाँ पीछे ही अभी का बोर्ड है, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन देंगे। ये डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, डांस भी आपको देखने मिलेगा, इन्होंने खास किया है, बहुत अच्छा किया है। वीडियो बनाओ। रेनाऊ गांव है, बढ़िया डिजिट, बिल्कुल साफ सुथरा, 10-15 किलोमीटर राइडिंग कर लो, बढ़िया जगह है। आइए बहना भाइया सब मिलके एक बार देख के, हम अब गरबा करेंगे, कच्ची हमारा कच्ची गाना बज रहा है, इससे तुम सबको गरबा भी सिखाएंगे। चलो कैसे चलो कैसे